गीता पाठ नित्य निरंतर हम करते रहें। किसका पाठ? गीता पाठ। पहला है गीता पाठ। गीता क्या है? गीता हमारे जीवन के अज्ञान को निवृत्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है। गीता पाठ का मतलब केवल दो चार श्लोक पढ़ना नहीं है, गीता पाठ का मतलब है जो उसमें लिखा है उसको जीवन में धारण करना। गीता पाठ का ये मतलब नहीं कि आप यहाँ से सुन के जाओ और दो चार श्लोक या एकाध अध्याय आप नित्य पाठ करो, इसी का नाम गीता पाठ है। नहीं, गीता पाठ का मतलब है भले हम एक श्लोक पढ़ें लेकिन वो श्लोक हमारे जीवन में उतरे। विद्यालय में दो विद्यार्थी जाते हैं, एक केवल विद्यालय में नाम मात्र का जाता है, लौट के आता है, दूसरा वहां पढ़ने के लिए जाता है, वो ढंग से उसको पढ़ता है, समझता है, गुनता है, दोनों में से पास कौन होगा? आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? एक केवल नाम मात्र के लिए विद्यालय में जाता है, पूरा टाइम लगा के वापिस आ जाता है, और दूसरा वहां पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको जीवन में मनन करता है, तो निश्चित ही है दूसरे नंबर का जो मनन करता है वो पास होगा। ठीक उसी तरह से गीता का पाठ कर लेने भर से हमारा कल्याण नहीं होगा, उस गीता के उस उपदेश को हम जीवन में धारण करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। गीता के अंतिम में गीता सुन करके अर्जुन कहते हैं, भगवान क्या हुआ गीता पाठ, गीता सुनने के बाद? गीता सुनने के बाद अंतिम में अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा मयाच्युतः त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः। भगवान आपकी कृपा से मेरे जीवन का अज्ञान विनष्ट हो चुका है, मोह विनष्ट हो चुका है। गीता पाठ का फल क्या है? आपका मोह नष्ट हो जाना। आप गीता पाठ करो और केवल पढ़ करके और रख दो और सोचो हमारा काम पूरा हो गया, नहीं। गीता पाठ का मतलब है धीरे धीरे आपका मोह नष्ट हो जाना है। और मोह का एक लक्षण है, आपके जीवन का मोह समाप्त हुआ कि नहीं हुआ उसका एक लक्षण है। क्या लक्षण है? जहां केवल आपको अपना परिवार ही अपना न लगे, पूरा समाज, पूरा विश्व परमात्मा रूप आपको नजर आने लग जाए, समझ लेना आपका मोह समाप्त हो रहा है। अभी हम एक निश्चित जगह से बंधे हैं, अपने परिवार से बंधे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है, ये हमारे नाती हैं, हमारी ये, हम वहां से बंधे हुए हैं। लेकिन जिस दिन सब कोई हमें धीरे धीरे करके अपने लगने लग जाए तो समझ लेना हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, इसको कहते हैं मोह नष्ट। भगवान शंकर ने कहा था, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहिं जगत केसन करहिं विरोध। गीता जीवन में उतर जाए तो देखना आपके सामने कृष्ण नाचेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही है कि तुम मेरे अनन्यता पूर्वक हो जाते हो तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारी पूरी व्यवस्था करता हूं, जैसे कि नरसिंह मेहता की व्यवस्था भगवान ने की है। ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता पूर्वक जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो मैं तुम्हारी हर व्यवस्था करता हूं। एक सत्य घटना है दक्षिण भारत की, एक ब्राह्मण नित्य प्रति इसका पाठ करते थे लेकिन घर में गरीबी बहुत थी, और एक दिन तो इतनी गरीबी हो गई घर में खाने को कुछ नहीं बचा, तो पाठ कर रहे थे और उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूं। उनके आंखों में आंसू आ गए, भगवान तू क्या व्यवस्था करता है, मेरे घर में खाने को नहीं है और तू यहां पर कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था करता हूं, ये बात गलत है। और उन्होंने उस पर पेन चला दिया, कलम चला दी, श्लोक फट गया। पंडित जी स्नान करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए नदी में चले गए, उधर एक छोटा सा बालक, बहुत ज्यादा खाद्यान्न फल है उसमें, भोजन सामग्री लेकर के बड़ा सा टोकरा उनके दरवाजे पर पहुंचा, कुंडी खटखटाई, ब्राह्मणी अंदर से निकली, क्या है?
ये आपके पतिदेव ने भेजा है। कहा उन्होंने तो मुझे बताया नहीं। कहा उन्होंने मुझे भेजा है, तो बहुत भारी है, जल्दी उतारो। नीचे उतार के रखा तो देखा कि बालक के गाल पर कट का निशान है, कटा हुआ सा निशान, किसने काट दिया है। कहा बालक ये किसने काट दिया। कहा मैया तुम्हारे पति ने यहाँ पर कलम चला दी है, चक्कू चला दिया, तुम्हारे पति ने काटा। मैया को बहुत गुस्सा आया, इतना प्यारा सा बालक, इतना नन्हा सा बालक, इतनी सेवा करने वाला बालक, इतना बड़ा बोझ लेकर के आया और मेरे पति ने यहाँ पर चक्कू चला दिया। लौट के बालक तो चला गया, लौट के पंडित जी आए। ब्राह्मणी ने कहा आप बहुत निष्ठुर हो, आप बहुत निर्दयी हो, जिस बालक ने इतनी सेवा की है, इतना आपका सामान लेकर के आया और उसके गाल पर आपने चक्कू चला दिया, कलम चला दिया। उसने कहा मैंने तो कोई सामान नहीं भेजा और न मैंने किसी बालक के साथ ऐसा किया। पूरी घटना जब सुनी तो उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हे केशव, वास्तव में तुमने जो गीता में कहा है कि मैं योगक्षेम की व्यवस्था करता हूँ, वो वहां पर मैंने जो चलाया चक्कू, यहाँ हमारे शास्त्र कोई भी गलत नहीं है, हमारे शास्त्र का अक्षरशः सत्य है, असत्य है, गलत है तो हम लोग गलत हैं, हम लोग खराब हैं, हम लोग गलत हैं, हम उस रास्ते पर चल नहीं पाते हैं।